अपनी ही शक्तियों को अपने ही संकल्प शक्ति से मेरे इस तन के मंदिर में फैली हुई पैरों की अंगूठा से हाथ की अंगुलियों से मैं आत्मा समेट रही हूं। धीरे धीरे सारी शक्तियां मुझ निज आत्मा में केंद्रित होती जा रही है। आहा, कितना अच्छा दिव्य अनुभव है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, मेरा बाबा, उस लाल प्रकाशमय संसार से मूल वतन शांति धाम से सर्वशक्तिवान शिव बाबा परम सितारा उतर कर परम धाम से नीचे नीचे इस तारागण की दुनिया से भी नीचे और नीचे इस विश्व ग्लोब के अंदर मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया बनकर 24 घंटे के लिए शिव बाबा स्थित हो गए हैं। उनकी अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। रंग बिरंगे किरणें, लाल पीला हरा सफेद और सर्वशक्तियों की किरणें, नीला रंग की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और वही पांच रंगों की किरणें मुझ आत्मा से होती हुई मेरे इस तन के मंदिर में नस नस में पांचों कर्मेंद्रिय पर चारों ओर फैलती जा रही है। सुख शांति आनंद पवित्रता और सर्वशक्तियों से भरी किरणें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा संपूर्ण रूप से बाबा की छत्र छाया में बाप समान शक्तिशाली बन रही हूं। बाबा से मिली हुई किरणें मुझ आत्मा से
प्रचंड रूप से पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। सुख शांति पवित्रता का प्रकंपन, दिव्य तरंगे मुझ आत्मा से निकलकर पूरे पांच तत्वों को पावन करती हुई पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। शक्तियों की किरणें मैं आत्मा अपने ही संकल्प शक्ति से मेरा अंतवाहक अंतिम स्वरूप संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दिव्य सूक्ष्म शरीर नया रूप इस ब्राह्मण रूप से संपूर्ण अलग दिव्य अलौकिक शक्तियों से श्रृंगार पवित्रता का प्रकाश से भरा बेहद खूबसूरत मैं आत्मा अपने ही संकल्प से अपना फरिश्ता स्वरूप रच रही हूं। मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। आहा, कितना सुंदर दिव्य अलौकिक श्वेत प्रकाशित किरणों से सजी हुई चमकता हुआ मस्तक दिव्य प्रकाशमय नैन निरंतर किरणें फैलाती हुई बेहद हर्षित मुख चेहरा पुलकन पावन मधुरमय मुस्कान पवित्रता के ओरा से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाता हुआ मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने अंग अंग पवित्रता का भाषण देता हुआ यह अलौकिक सूक्ष्म शरीर मेरे संकल्प से बन चुका है। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है और मैं आत्मा बाबा से किरणें लेती हुई इस ब्राह्मण शरीर के नैनों से मैं आत्मा किरणें देती हुई अपनी फरिश्ते रूप शरीर को कितना सुंदर अनोखा अनुपम पवित्र पावन सूक्ष्म शरीर मेरे सामने आहा यही मेरा फरिश्ता रूप है। पैरों से लेकर मस्तक तक प्रकाश ही प्रकाश दिव्य अलौकिक सुगंध चारों ओर फैलती जा रही है।
अब संपूर्ण रूप से मेरा फरिश्ता स्वरूप तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे इस धारा के आकर्षण से परे ऊपर की ओर हवाओं में लहराता हुआ पांच तत्व विश्व ग्लोब को पार करता हुआ चांद सूर्य तारागण से भी पार और ऊपर और ऊपर यह सुंदर फरिश्तों की नगरी प्यारा सूक्ष्म वतन मीठे ब्रह्मा बाबा के पास प्यारे बाप दादा के पास मेरा फरिश्ता स्वरूप पहुंच चुका है। बाबा की मीठी मीठी मुस्कान मेरे फरिश्ते स्वरूप को स्वागत कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ फरिश्तों की महफिल बाबा से मधुर मिलन मना रहे हैं और मेरा फरिश्ता स्वरूप भी इसी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने आदि देव इस सृष्टि का पहला फरिश्ता प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा के सामने 24 घंटे के लिए मधुर मिलन मनाता हुआ बाबा से दृष्टि शक्ति लेता हुआ 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। बाबा के नैनों से दिव्य पावन पावन किरणें मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर पड़ रही है। आहा आनंद आनंद शांति शांति सुख से झूम रहा है मेरा फरिश्ता स्वरूप। मगन हो गया बाबा के मिलन में। 24 घंटे अब मैं फिर से संपूर्ण चेतना के साथ इस ब्राह्मण शरीर में भ्रुकुट के बीच संपूर्ण चमकता दिव्य सितारा मैं आत्मा मस्तक के पर मेरा बाबा परम सितारा निरंतर अपनी किरणों को बरसा रहे हैं। आहा मैं आत्मा कृत कृत हो रही हूं। धन्य धन्य हो गई हूं। पावन पावन बन रही हूं। फिर से मैं आत्मा अपने ही दिव्य शक्तिशाली संकल्प से जैसे पहला फरिश्ता बनाया था वैसा ही रूप संपूर्ण वैसा ही अलौकिक शक्तियों से सजी हुई और एक फरिश्ता रूप बना चुकी हूं मैं आत्मा। दिव्य चमकीला सत्य प्रकाशित किरणों से सजी हुई
और मेरे इन नैनों से, मस्तक से निरंतर बाबा की किरणें निकलकर मेरे सूक्ष्म शरीर रचा हुआ फरिश्ते स्वरूप के ऊपर पड़ रही है। यह दूसरा फरिश्ता रूप भी तैयार और फिर से यह धीरे धीरे ऊपर की ओर तारागण से भी ऊपर वही सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच चुका है। और बाबा से शक्तियां लेकर सूक्ष्म तन को छोड़ नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे आकर विश्व ग्लोब के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। और इस विश्व ग्लोब में सृष्टि रंगमंच में जितने भी आत्माएं अभिनय कर रहे हैं सभी आत्माओं को सकाश दे रहा है। जो आत्माएं शरीर में हैं या जो आत्माएं शरीर में नहीं है सभी आत्माओं को 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं हीरे की तरह मणियों की तरह टिम 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 चमक रहे हैं। और उन सभी आत्माओं को मेरा दूसरा फरिश्ता संकल्प से रचा हुआ अपने मस्तक और नैनों से उतने ही करोड़ों किरणें एक एक किरणें एक एक आत्माओं को दे रहा है। साथ में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं और इस पांच तत्व प्रकृति को भी सकाश दे रहा है। 24 घंटे कितनी ऊंची शक्तिशाली दिव्य पावन स्थिति है। अब मैं फिर से मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में और अपने संकल्प शक्ति से और एक फरिश्ता जैसे पहले बनाया था पवित्रता का प्रकाश से सजा हुआ सर्व शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण यह मेरा तीसरा फरिश्ता स्वरूप भी तैयार। यह भी धीरे धीरे ऊपर की ओर और सूक्ष्म वतन में बाबा से शक्तियां लेकर संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनकर यह फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर और विश्व ग्लोब के अंदर और नीचे और इस बाबा के घर के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। संपूर्ण सुरक्षा और संपूर्ण निर्विघ्न के साथ अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान देता हुआ 24 घंटे के लिए मेरा तीसरा फरिश्ता
इस बाबा के घर के ऊपर स्थित हो गया है। मैं आत्मा स्पष्ट रूप से देख रही हूं, मेरा पहला फरिश्ता संकल्प से रचा हुआ ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म बदन में, दूसरा विश्व ग्लोब के ऊपर 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं को सकास देता हुआ, अब तीसरा इस बाबा के घर के ऊपर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपनी 84 जन्म का भाग्य बनाने हेतु इस संगम युग में अपने ही संकल्प शक्ति से विश्व कल्याणकारी बन और एक फरिश्ता अपने ही संकल्प से रच रही हूं, जैसे पहले रचा था। मेरे सामने संपूर्ण और संपन्न फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता हुआ हवाओं में लहराता हुआ बड़ा ही आनंद और खुशी से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच चुका है। और बाबा से शक्ति लेकर नीचे की ओर और नीचे इस संगम में सबसे भाग्यवान मुझ आत्मा को मिला हुआ शरीर ब्राह्मण शरीर के साथ मेरे संकल्प से रचा हुआ चौथा फरिश्ता निरंतर 24 घंटा संपूर्ण सुरक्षा देता हुआ साथ साथ मैं आत्मा इस शरीर के साथ कहीं भी जाऊं, मेरा फरिश्ता स्वरूप निरंतर मेरे साथ है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, सबको दिव्य अनुभूति कराने के लिए संपूर्ण सुरक्षा का प्रतीक मेरा चौथा फरिश्ता इस शरीर के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में शुद्ध पवित्रता से भरी मैं आत्मा निरंतर सितारों की तरह चमकता हुआ फिर से मैं अपने संकल्प से और एक फरिश्ता जैसे पहले बनाया था बना चुकी हूं। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर उनकी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और वही किरणें मेरा इस पांचवा फरिश्ता स्वरूप के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनकर धीरे धीरे ऊपर की ओर सूक्ष्म बतन में बाबा से शक्तियां भर कर
नीचे की ओर। इस सृष्टि परिवर्तन है तू, बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ महा मीठा मधुवन रचाया, उसमें आने वाली जाने वाली रहने वाली आत्माओं के ऊपर निरंतर सकाश देता हुआ मेरा पांचवा फरिश्ता 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूं, पहला फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, दूसरा विश्व ग्लोब के ऊपर, तीसरा इस बाबा के घर के ऊपर, चौथा मेरे इस शरीर के साथ, और पांचवा मीठे मधुवन के ऊपर। फिर से और एक फरिश्ता अपने ही दिव्य संकल्प से, मैं आत्मा रच चुकी हूं, यह भी धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में पहुंच चुका है और बाबा से शक्तियां लेकर मेरा यह शरीर जहां से जन्म लिया अपने लौकिक परिवार के ऊपर जितने भी आत्माएं हैं सब आत्माओं को सकाश दे रहा है 24 घंटे। फिर से भ्रुकुटी के मध्य में और एक फरिश्ता, संपूर्ण प्रकाशमय बेहद खूबसूरत चमकीला रोशनी से भरी संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच चुका है और यह भी बाबा से शक्तियां लेकर नीचे की ओर और नीचे और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं और इस पृथ्वी के अंदर पांच तत्वों में जो भी कोई भी प्रकार की असुविधा है उन सब को सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें दे रहा है और इस सृष्टि में कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना घटती है आत्माओं को साधनों को शांति की सुख की आनंद और प्रेम पवित्रता की किरणें दे रहा है। कितनी ऊंची स्थिति है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने ही संकल्प से पूरे ब्रह्मांड विश्व की सेवा कर रही हूं। पहला फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, दूसरा विश्व ग्लोब के ऊपर, तीसरा इस प्यारा बाबा का घर के ऊपर, चौथा मेरे इस ब्राह्मण शरीर के साथ, पांचवा ब्राह्मणों का कर्म भूमि महामिलन परमात्मा प्यार की अनुभूति करने के लिए मीठे मधुवन के ऊपर, छठा लौकिक परिवार के ऊपर, और सातवां पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में चक्कर लगाता हुआ सैर करता हुआ।
आज दिन भर मुझे अपने आप मेरे संकल्प से रचे हुए सात फरिश्ते अपने आप याद आएंगे, निरंतर सेवा कर रहे हैं हर सेकेंड हर क्षण। मेरे मस्तक के पर सर्वशक्तिवान बाबा, बस 24 घंटा यही अनुभव होता रहे अपने आप। थैंक यू बाबा, आपने मुझे ज्ञान योग सिखाकर राजयोगी बनाकर धन्य धन्य बना दिया बाबा। मन के संकल्प की शक्ति को प्रे करना सिखा दिया बाबा, मनसा सेवा करना सिखा दिया, फरिश्ता बनना सिखा दिया।